हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फोर बिट बाइनरी एडर क्या होता है। अभी तक हमने देखे थे हाफ एडर, फुल एडर, जो सिर्फ बिट लेवल पर काम कर रहे थे। बिट लेवल पर काम करने का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। सपोज हमारे पास एक दो इनपुट्स हैं ए और बी, हमारे पास नंबर है 1101 1011, ऐसे करके ही हमारे पास दो नंबर्स हैं। अब हाफ एडर और फुल एडर क्या कर रहे थे, एट ए टाइम सिर्फ इन दो बिट्स को कंसीडर कर रहे थे या तीन बिट्स को कंसीडर कर रहे थे। अगर कैरी आ गई तो फुल एडर तीन बिट्स को कंसीडर कर रहा था, मतलब वो पूरे बाइनरी नंबर को एक साथ नहीं ऐड कर रहे थे, सिर्फ दो बिट्स पर ही काम कर रहे थे, दो या तीन बिट्स पर ही काम कर रहे थे, पूरे नंबर्स को एक साथ कंसीडर नहीं कर रहे थे। जबकि हमें क्या करना रहता है, पूरे बाइनरी नंबर्स को एक साथ ऐड करना होता है। तो अगर हमें पूरे बाइनरी नंबर्स को एक साथ ऐड करना है तो हम बाइनरी एडर का यूज करेंगे। तो अब बाइनरी एडर भी बनता किसकी हेल्प से है, हाफ एडर और फुल एडर की हेल्प से। अब एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, मान लिया हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, ये 1101, ये है हमारा ए और नेक्स्ट नंबर बी है 1011। अब इसको हम मान लिया नाम दे देते हैं A0 A1 A2 A3। इसी तरह से इस वाली को हम नाम दे देते हैं B0 B1 B2 और B3। अब नॉर्मली एडिशन कैसे परफॉर्म होता है, पहले ये A0 को B0 के साथ में ऐड किया जाएगा, तो सम क्या आएगा 1+1, जिस 0 विथ कैरी 1, तो कैरी 1 आई। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, A0 को B0 के साथ ऐड किया, तो स्टार्टिंग में हमें सिर्फ दो इनपुट्स की ही जरूरत पड़ रही है। तो दो इनपुट्स के लिए किसका यूज किया जाता है, हाफ एडर का। तो हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हाफ एडर, जिसमें हम दो इनपुट्स देंगे। कौन से दो इनपुट्स देंगे हम यहाँ पर, A0 और B0। यहाँ पर कैरी की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट स्टेज में कोई कैरी नहीं होती है, तो A0 एंड B0। इसके बाद में इनको ऐड करने पर कोई कैरी आई है, अगर कोई कैरी नहीं भी आती है तो हम उसको जीरो मान लेंगे। तो यहाँ पर ऐड करने पर कैरी आई है, तो पॉसिबिलिटी होती है कैरी जनरेट होने की। तो हमारा यहां से क्या निकलेगी, एक तो कैरी निकलेगी जो कि यहां पर आगे काम आएगी, तो यहां से क्या निकली, कैरी निकली। और एक क्या निकला है हमारा, ये जो चीज है ये क्या होता है, सम होता है, तो इसको हम एस जीरो से डिनोट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा S0। इसके बाद इसको हमें यहां से कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद अब हम किसको ऐड करेंगे, A1 B1 और जो प्रीवियस कैरी आई है उसको। तो अब हमें तीन इनपुट्स पर काम करना है, तो अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फुल एडर की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम यहां पर क्या लगाएंगे, फुल एडर। इसमें इनपुट्स कौन कौन आएंगे, एक तो प्रीवियस कैरी विच इज C0 और दूसरे क्या आएंगे, A1 और B1। तो ये A1 और ये क्या हो जाएगा, B1। इसके बाद में इन दोनों को ऐड करने पर भी हमें क्या मिल सकती है, कैरी मिल सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से कैरी जनरेट हुई जो कि C1 कहलाएगी, और एक और चीज यहां से क्या आया, ये जो चीज आया 1+1 विच इज 0 विथ कैरी 1, तो ये जो चीज है इसको क्या बोला जाएगा, S1 बोला जाएगा। तो इसका नाम क्या आ गया, S1 आ गया। इसके बाद में इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। अब हम क्या करेंगे, वापस से एक और फुल एडर लगा देंगे यहां पे, इसका नाम क्या है, A2 एंड B2। ये हमारे इनपुट्स A2 और B2, और यहां से हमें क्या मिला, सम, जिसका नाम हमने दिया S2, और यहां से एक कैरी भी जनरेट हुई जो कि क्या है, 1। यहां पे 1 हुई, दूसरे एग्जांपल्स में, दूसरे सम्स में कुछ और भी कैरी हो सकती है, तो यहां से कैरी भी जनरेट होगी। तो यहां पर हमने क्या दे दिया, C2, इसका नाम क्या दे दिया, C2। इसके बाद में वापस ये जो कैरी जनरेट हुई उसको इन इनपुट्स के साथ में हमें कंबाइन करना है, तो वापस हमें तीन इनपुट्स के लिए किसकी जरूरत पड़ी, फुल एडर की जरूरत पड़ी। फिर इस फुल एडर ने इन तीनों चीजों को ऐड किया, मतलब अब हमारे इनपुट्स क्या हैं, A3 B3, आप देख सकते हैं यहाँ पे A3 B3 और प्रीवियस कैरी C2, और इसका जो सम जनरेट होगा वो क्या जनरेट होगा, S3।
ये एस थी सम जनरेट हुआ। अब इनका जो एडिशन आया वो क्या आया, ट्रिपल वन, मतलब वन प्लस वन प्लस वन मीन्स वन विथ कैरी वन। अब ये जो कैरी जनरेट हुई है वो और कहीं नहीं यूज होगी, उसको हम यहीं पर लिखेंगे, इसलिए उसका नाम हम क्या देंगे, ये एस थ्री, और इसका नाम हम क्या देंगे, एस फोर नाम दे देंगे। इस चीज का नाम हम क्या दे देंगे, एस फोर दे देंगे। तो यहां से ये जो जनरेट हुई उसको हम कैरी नाम ना देके इसका नाम क्या दे देंगे, एस फोर दे देंगे। तो ये क्या बन गया, हमारा बाइनरी एडर बन गया, फोर बिट बाइनरी एडर बन गया, जिसमें हमने ये पूरे बाइनरी नंबर्स को ऐड किया है। अब इसी का, फोर बिट बाइनरी एडर का अगर हमें ब्लॉक डायग्राम बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे वो मैं अभी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए। अब इसका ब्लॉक डायग्राम हम बनाते हैं। ये क्या है हमारा, फोर बिट बाइनरी एडर। अब हमने इसमें इनपुट्स कौन कौन से दिए थे, तो हमारे इनपुट्स थे, पहला नंबर था ए, तो उसकी फोर बिट्स थी, तो ये फोर बिट्स फर्स्ट नंबर की और ये फोर बिट्स हमारी सेकंड नंबर की। इसका नाम ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, बी जीरो, बी वन, बी टू, बी थ्री। अब हमारा जो सम जनरेट हुआ था वो एस जीरो, एस वन, एस टू, एस थ्री, और हो सकता है कि कभी कैरी की वजह से एक बिट सम में ज्यादा भी हो, जैसे कि हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा था, तो वो चीज क्या हो जाएगी हमारी, एस फोर। तो ये बन गया इसका ब्लॉक डायग्राम।